होंगे। गाइस आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एक यहाँ पे वायरलेस माइक्रोफोन से है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करेंगे, जानेंगे इसके हर सारे फंक्शन और फीचर के बारे में और ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसकी क्वालिटी क्या चाहिए, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। गाइस ये माइक उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं या फिर जिनका पैसन है ऐसे कुछ वीडियो बनाना तो कुछ रिकॉर्ड करना, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक माइक मिल जाता है। तो यहाँ से हम फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें एक तो आपको नॉइज कैंसिलेशन का आपको बड भी मिल जाता है जो कि इसमें दो दिया हुआ है। बाकी अगर जो हमारे मेन यूनिट है कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो इस तरीके के बॉक्स में है और बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी आपको अच्छी दे रखी है। यहाँ पे आपको चार एलईडी इंडिकेटर मिल जाते हैं जहाँ से कि आपका जब भी चार्ज होगा ये तो यहाँ से आपको शो होगा। बाकी जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमें दो माइक मिल जाते हैं और एक हमें कनेक्टर मिल जाता है जो कि हमारा डायरेक्टली फ़ोन में कनेक्ट होगा। तो ये है हमारा इस तरीके का कुछ माइक, आप देख सकते हैं छोटा सा है इसका। अगर हम साइज़ बता दें तो 1 से 1.5 इंच तक इसका जो साइज है माइक का आपको मिल जाता है। बाकी माइक में आपको एक यहाँ पे येलो कलर का बटन भी मिल जाता है इसे ऑन ऑफ करने के लिए और बीच में आपको एक इंडिकेटर भी मिल जाता है जहाँ से कि शो होगा कि ये आपका कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और पीछे में आपको मिल जाती है एक क्लिप इस तरीके का, आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें जो कि आपको एक माइक भी मिल जाती है और बाकी इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी दे रखी है। इसमें टच करने में समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें हम अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो गाइस ये माइक है जो कि हमें दो मिला हुआ है, मैंने पहले ही बताया। और बाकी अगर हम इस कनेक्टर की बात करें तो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको सी टाइप वाला भी दिया हुआ है और जो हमारे आईफोन में होते हैं पोर्ट उसका भी आपको दे रखा है। तो आपको दोनों ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, आपका फ़ोन अगर कोई सा भी है तो आप उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा कुछ इस तरीके का माइक और इसका कनेक्टर। बाकी इसकी अगर हम बता दें कि अगर जैसे ही आप इसको चार्ज करते हो या फिर ऑटोमेटिक ये चार्ज सिस्टम दे रखा है, जैसे आप इसमें डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर जो LED है वो ग्लो कर रही है अभी, क्योंकि मेरा ये चार्ज है माइक तो ये अभी चार्ज नहीं हो रहा है। जैसे ही ये थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से जो भी जो LED है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। और पीछे में इस बॉक्स को चार्ज करने के लिए पीछे में आपको सी पोर्ट का मिल जाता है, यहाँ से आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें मिला हुआ है एक केबल, इस बॉक्स में मेरे को एक केबल भी मिला हुआ है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए छोटे से डब्बे में हमें मिला हुआ है इसका केबल। ये देखिए इतना बड़ा सा है, 1 मीटर का है ये जो वायर जो USB हमारा आप देख सकते हैं। तो उसको चार्ज करने के लिए भी इसमें आपको दे रखे, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इसमें नॉइज कैंसिलेशन का एक बड भी दिया हुआ है। तो गाइस इतने सारे हैं जो कि इसमें आपको मिल जाते हैं। इसका जो अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी का मेरा साउंड क्वालिटी और अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगी अपने मोबाइल में तो उसका साउंड क्वालिटी, दोनों का आप टेस्ट करके बताना, कंपेरिजन करके बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है नहीं है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ फीचर है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टाइप सी चार्जिंग दी हुई है और आपको इसका जो रेंज है ना गाइज वो मैं आपको बता दूँ, 50 मीटर इसका जो रेंज है आपको मिल जाता है। इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो जो माइक था उसका 30 मीटर ही था और इसमें आपको 50 मीटर का मिल जाता है, इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और बाकी इसमें मिल जाता है ऑटोमेटिक नॉइज कैंसिलेशन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्स्ट्रा लॉन्ग इंड्योरेंस मिल जाता है, अल्ट्रा लो डिले मिल जाता है, क्योंकि ये जैसे ही आप कुछ भी चीज़ बोलते हो फटाक से रिकॉर्ड करके वो एक अच्छी वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। हाईली सेंसिटिव दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी दिया, तो बहुत सारे इसमें फंक्शन है, फीचर है जो कि आपको दिए हुए हैं और अच्छे फीचर हैं जो कि आपको दे रखे हैं। गाइस बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने इस जो भी हमारा माइक है उसको अपने हम आईफोन में कनेक्ट करते हैं और इसका जो क्वालिटी है वो हम देखते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो कनेक्टर है इसको हम निकाल लेंगे, हालांकि हमारा जो फ़ोन है आईफोन है तो उसमें हमें ये वाला कनेक्ट करना होगा। तो चलिए इसमें हम कनेक्ट करते हैं। मैंने जो इसका कनेक्टर है अपने मोबाइल में लगा लिया है। बाकी जो हमारा माइक है इसमें मैंने आपको पहले बताया एक LED लगी हुई है, जब भी आपका ये माइक अगर आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं है तो इसका जो LED है वो ब्लू ग्लो करेगा, अगर जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है तो ग्रीन में ये जलेगा इस तरीके से, देखिए मेरा कनेक्ट हो चुका है तो इसलिए ये ग्रीन जल रहा है। तो ये हमारा दोनों ही माइक में जल, यहाँ पर आप देखिए
दोनों ही माइक में, हालांकि मेरे को बस एक माइक की जरूरत है, दूसरा मेरा अगर आपके साथ कोई और कन्वर्सेशन में होंगे वीडियो बनाने के समय कोई और है तो ये वो यूज कर सकते हैं, बट इसका मेरे को अभी यूज नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हमारा जल गया है और इसका जो वॉइस है, साउंड क्वालिटी है, आप पता लगा सकते हो पिछले के मुकाबले अभी का कैसा है। तो प्लीज मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका जो क्वालिटी है वो कैसा है। तो गाइस ये है कुछ इस तरीके का इसका साउंड, मैंने आपको इसके सारे जो भी फीचर है वो बता दिए। बात करते हैं गाइस इसके थोड़ा हम प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस, हालांकि ये थोड़ा सा पिछले वाले से अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें कुछ की फीचर और भी ऐड हो चुके हैं और इसका जो रेंज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, उसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो 3400 का ये मेरे को अमेजन से पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जिसको पसंद आया हो वहाँ से जाके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा आज का वीडियो जो कि एक ब्लूटूथ माइक से था और इसका क्वालिटी कैसी है प्लीज मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पिछले के मुकाबले अभी कैसा है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।